राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना की अवधि 3 महीने तक बढ़ाए जाने से अब दिसंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिले कोरबा के लाखों गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि योजना के तहत हर महीने राशन कार्ड के जरिए प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज ले रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए अतिरिक्त आवंटन जारी हुआ है और ये योजना अगले 3 महीने के लिए जारी रहेगी। इसमें चूंकि अपना कोरबा प्रीडोमिनेंटली ट्रैवल एरिया है और आकांक्षी जिला भी है, तो यहाँ पर वन आच्छादित क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग BPL परिवार से हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उनको अतिरिक्त उनको सप्लीमेंट दिया जाए और जो उनको पहले से जो कोटा मिलते आ रहा है उसको सप्लीमेंट्री कोटा मिलने से उनको। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के इस फैसले से गरीब परिवार काफी खुश हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पहुंचे हितग्राहियों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ये है कि पुराने जो गरीब जन कल्याण अन्न योजना जो चल रही थी लॉकडाउन के समय से, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। उसमें पूरे गरीबों को और ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि अभी त्यौहार का सीजन आ रहा है, उसमें भी सबको आसान हो जाएगा। दिसंबर तक 2022 दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 5-5 किलो चावल का वितरण बढ़ा दिया गया प्रति व्यक्ति, जिसका लाभ गरीब तबके के परिवार BPL कार्ड धारकों को बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है। हम लोग का भी ये सूचना आया है कि 3 महीने का चावल गरीब का बढ़ गया है, जो अभी 3 महीने 1 महीना इसी में बंद हो जाना था, लेकिन मोदी सरकार ने 3 महीने का चावल बढ़ा दिया गया है नवंबर दिसंबर सितंबर तक का। इसमें गरीब लोग को फायदा है। अभी केंद्र शासन द्वारा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर माह के लिए गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल को अतिरिक्त चावल बढ़ाया गया है 3 माह के लिए। अक्टूबर माह का जो चावल है नवंबर माह में दिया जाएगा फ्री में। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी।